नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे खास गर्मियों के लिए शिकंजी, शिकंजी का स्पेशल मसाला और शिकंजी सिरप। तो शुरू करते हैं शिकंजी मसाला बनाने से। सबसे पहले हम जीरा भूनेंगे। हमने 2 टेबलस्पून जीरा लिया है। जीरे को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। हमें जीरे को डार्क बिल्कुल नहीं करना है, हल्की सी खुशबू आने तक भून लेना है। जीरे से खुशबू आने लगी है, जीरा भुन चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इस जीरे को हम कुछ मसालों के साथ में पीसेंगे। 3 टेबलस्पून काला नमक और ये 2 सिनेमन के टुकड़े 1.5-2 इंच के लंबे ले लिए हैं, तोड़ के डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून छोटी हरी इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। मसाला एकदम बारीक हो गए। अब इसे छान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से रेशे ज़रूर होंगे, और अच्छी बारीक छलनी में छानेंगे। ये थोड़े से रेशे रह गए इसमें, इन्हें हम सब्जी के मसाले के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये शिकंजी मसाला तैयार हो गया। इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें और 2-3 महीने तक इसे यूज किया जा सकता है। अब हम बनाएंगे शिकंजी सिरप। शिकंजी सिरप बनाने के लिए हमने ये बर्तन ले लिया। इसमें हम 1 किलो चीनी डाल देंगे और 2 कप पानी, लगभग 1/2 लीटर पानी, और चीनी को घुलने तक इसे पका लेंगे। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल चुकी है, चाशनी बनकर तैयार हो गई। हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस चीनी पानी में घोलनी होती है। और अब हम इसमें ये शिकंजी मसाला डालेंगे। तो जितना मसाला हमने बनाया है, वो सारा मसाला हम 1 किलो चीनी वाले सिरप में डाल देंगे। और अब इस सिरप को ठंडा होने देंगे। ये हमने 1/2 किलो नींबू ले लिए हैं, 15 नींबू हैं। सारे नींबू से रस निकाल लेते हैं। लीजिए, ये नींबू का रस भी निकल गया। और ये जो छिलके बचे हैं, इन्हें आप फेंकिए मत, इनका अचार बना लीजिए। बहुत अच्छा अचार बनता है, और अचार बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सिरप एकदम ठंडा हो गया है, सारे मसाले अच्छे तरीके से इसके अंदर जज्ब हो गए हैं। और अब हम ये नींबू का रस भी इसमें डालकर मिला देंगे। और अब इसे हम छानेंगे। नींबू का 1-2 बीज दिख रहा है, थोड़े से मसाले के रेसेस दिख रहे हैं, वो सब निकल जाएंगे। इसे छानने के लिए हमने एकदम बारीक वाली छलनी ली है। तो ये बन गया हमारा शिकंजी सिरप। इसे किसी भी कंटेनर में भरकर रख लें, इसे फ्रिज में रखकर 2-3 महीने तक यूज किया जा सकता है। शिकंजी मसाला और शिकंजी सिरप दोनों बनकर तैयार हैं। अब हम इनसे शिकंजी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शिकंजी मसाला से शिकंजी बनाते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच शिकंजी पाउडर और 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 नींबू का रस, नींबू का रस भी आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, या नींबू छोटे हैं तो 1 ले लें, नींबू बड़े हैं तो 1/2 नींबू ले लें। पानी डाल देंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते और अब आइस क्यूब्स और ये 1 नींबू की स्लाइस। तो ये हमारी शिकंजी तैयार हो गई। शिकंजी सिरप से शिकंजी बनाने के लिए हम थोड़ा सा, लगभग 2 टेबल स्पून शिकंजी सिरप डाल देंगे
और अब ठंडा पानी। थोड़े से पुदीने के पत्ते और आइस क्यूब्स और ये लेमन स्लाइस। शिकंजी सिरप से बनी हुई शिकंजी तैयार है और क्लब सोडा में बनी हुई शिकंजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा शिकंजी सिरप और ये सोडा, थोड़े से पुदीने के पत्ते और ये आइस क्यूब्स, लेमन स्लाइस। और ये रही सोडे में बनी हुई शिकंजी। ये शिकंजी मसाला, शिकंजी सिरप और उससे बनी हुई शिकंजी। इन्हें बनाना बहुत आसान है, मसाले को अच्छे तरीके से पीसना है, छानना है। शिकंजी मसाला और सिरप तैयार। तो आप इन्हें बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।